और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। देश में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना की जद में वो भी आ चुके हैं। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन चिंताजनक स्थिति उनकी फिलहाल नहीं है। दूसरी तरफ कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके पहले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई बड़े नेता संक्रमित हो चुके हैं। तमाम कोशिश के बावजूद देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नहीं थम रही। नेता अभिनेता से लेकर तमाम बड़ी हस्तियां अब तक वायरस के चंगुल में फंस चुकी हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संक्रमित हो चुके हैं। रविवार को उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर अपनी जांच कराएं। अमित शाह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर सुशीला कटारिया अमित शाह का इलाज कर रही हैं। गृह मंत्री के ट्वीट के बाद तमाम कैबिनेट मंत्री और नेताओं ने उनके जल्द रिकवरी की कामना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि अमित जी, हर चुनौती के सामने आपकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति एक मिसाल रही है। कोरोना वायरस की इस बड़ी चुनौती पर भी आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। तो हर कोई अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना इस वक्त कर रहा है, लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है जो हमेशा हम आपको कहते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया भले चल रही है, एहतियात आप बरतिए, तभी कोरोना से आप बच पाएंगे।